हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, 10 बज चुके हैं और अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं अपने हनीमून पर। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ, ये तो आपको अभी पता चल जाएगा, या पहले ही बता दूँगी, इसमें कोई सीक्रेट वाली बात नहीं है। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, हम लोग वेट कर रहे हैं कार का, क्योंकि अभी हमें जाना है यहाँ से दिल्ली तक, और दिल्ली के बाद हमें चेंज करना है अपने ट्रांसपोर्ट, यानी कि बस में हमें चेंज करनी है। सो दिल्ली तक जाना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपना सिंपल सा बेसिक सा सूट पहन के, ताकि ट्रैवलिंग में मुझे अनकम्फर्टेबल फील ना हो। और हमारी पैकिंग सारी हो चुकी है, हमारे बैग सारे पैक होकर रखे हैं, बस 5 या 10 मिनट में हम लोग निकलने वाले। तो मैंने सोचा यार व्लॉग बना लेती हूँ, तो इन 2 मिनट के लिए फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा यार शूट कर लेती हूँ। कुल्लड़ वाली चाय हो गया, और चाय तो सही पियेंगे, 4 चाय। वीडियो तुम लोग बनानी है तो 100 डालना बटर का इसमें, क्या ऑयली ज़्यादा हो जाएगा? आप मत खाना, मैं खा लूँगी। मिलता है अचार देंगे, दे देंगे। तो रास्ते में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह करा, और उसके बाद में सो गई थी, क्योंकि मेरे को वॉमिट वगैरह आती है, मैंने कोई शूट नहीं करा। और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली पहुँच गए कहाँ, जिंग बस, यानी कि हम लोग दिल्ली पहुँच गए थे टाइम से, और टाइम से पहले पहुँच गए थे। तो हमने सोचा कि यार चलो थोड़ा सा बाहर घूम लेते हैं, और इन लोगों को शॉपिंग भी करनी थी जो हमारे साथ आए हैं उनको। सो अब हम आए हैं H&M शॉपिंग करने, यहाँ पर बहुत टाइम था, उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। क्या अब हम खा रहे हैं बस में मोमोज, थोड़े ज़्यादा उबले उबले लग रहे हैं, मैं टेस्ट करती हूँ पहले, बाद में करना। ना ना बोल लो। अब यहाँ पे हम लोगों ने खाना वाना खाया था, और ठंड यहाँ जितना हम लोग आगे जा रहे थे उतनी ज़्यादा और लगती जा रही थी। वैसे भी नवंबर का टाइम था, लेकिन हाँ घर पे उतनी नहीं लग रही थी लाइक जब हम लोग अपने घर पे थे, लेकिन जैसे हम पास में आते जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, एंड इस टाइम और भी ज़्यादा। तो सुबह हो गई थी, हम लोग पहुँच गए थे रात में सोते सोते, हमें पता ही नहीं चला हम कब सुबह हो गई और कब पहुँच गए। तो यहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, एक दिन पहले यहाँ पर स्नोफॉल हुई थी, आज के दिन यहाँ पर थोड़ी सी धूप निकली थी, धूप के बावजूद बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड लग रही थी, लाइक ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़्यादा और हैवी से पहन ले। लेकिन अब जल्दी जल्दी से हम लोगों ने सोचा कि चलें डायरेक्टली अपने होटल की तरफ, रूम लें और बस फटाफट से थोड़ा सा रेस्ट करें।
रूम हमारे ऑलरेडी बुक थे, तो यहाँ पे हम लोगों को टैक्सी लेने आ गई थी। हम लोग फटाफट से बैठे इसमें और जल्दी से चल पड़े अपने रूम की तरफ। व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने सोचा यार वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि मेरे को व्लॉग भी तो शूट करना है। उसके बाद हम लोग पहुँचे अपने रूम की साइड, लाइक अपने होटल की साइड। थोड़ा सा अलग था, लाइक माल रोड पर नहीं था, थोड़ा सा अलग था, लेकिन हाँ पास में था, टैक्सी थी अपने पास, तो इतनी ज़्यादा कोई इशू था नहीं आने जाने का। एंड थोड़ा सा शांति था, तो ये भी मुझे सही लगा। माल रोड पर होता तब भी सही लगता है, बट ये वाला व्यू भी सही लगा। उसके बाद हम लोग गए, मतलब डायरेक्टली अपने रूम की तरफ जाने लगे एंड देखने लगे कि रूम कहाँ पर। तो हमारा रूम था थर्ड फ्लोर पर, तो हम लोग जल्दी जल्दी से जा रहे हैं क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गए थे। क्योंकि बैठे बैठे भी थक जाते हैं यार, क्योंकि बस में और ऊपर से मेरे को तो उल्टी जैसा फील होता है, तो मैं तो अपनी दवाइयाँ खा के गई थी ताकि मेरे को उल्टी ना हो। एंड थैंक्स टू गॉड कि मेरे को नहीं हुई, वरना पूरा मूड ख़राब हो जाता है, पूरी तबीयत ख़राब हो जाती है। एंड कुछ भी घूमने का, कुछ भी शूट करने का, लाइक कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो ये दो रूम लिए थे हमने, और हमारे जो रूम थे बिल्कुल आमने सामने थे। फर्स्ट रूम ये था जिसमें हम लोग एंटर हुए, यहाँ पे बैल्कनी थी और साथ में यहाँ पे धूप आ रही थी, तो मेरे को ये वाला रूम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हम लोगों ने ये वाला लिया कि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और अगर ऐसे में अगर धूप की थोड़ी सी भी रोशनी आती है, धूप थोड़ी सी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमारे रूम के बाहर का व्यू और ये अंदर का। हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और हमने मंगवाई सैंडविच, कर्ड और आलू पराठा एंड चाय, और बटर अभी आ रहा है। आज है हमारा मनाली में डे वन, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं, और ये भी रेडी हो चुके हैं। देखो उधर देखो, इन्हें शर्म आती है। हाय बोलो। तो अब हम लोग रेडियो के निकलने वाले हैं, एक और है हमारे साथ, तो वो लोग रेडी हो रहे हैं। हम लोग फुली रेडी हैं, तो हम लोग जा रहे हैं रील्स बनाने। एंड मैं आपको दिखाती हूँ अपना आउटफिट। इधर देखो, इधर देखो। यहाँ से तो कुछ दिलवा के खाऊंगी अभी, है ना सोचना भी मत। सोच लिया है मैंने, एक लेके चलेंगे अपने घर के, है ना। ये हम लोग गए थे अज्जू, तुमने सारे लेकर गए थे यहाँ से, अभी तक पड़े हमारे वहाँ ड्रीम कैचर। खट्टा मिठाई हो वो ओनली मेरे पास, पूरी मीठी चटनी। चलो ठीक है, लगा दो अब, पानी लगा दो बस। हाँ ये सर आपके लो। नहीं वो निकल गया, नहीं वो निकल गया, वो निकल गया। अभी आसान से बाहर छोला बर्गर है जी, भाग जाए बर्गर।
हाँ यही बर्गर कितने का है? बर्गर ही कुछ छोले कुलचे खाओगी उसमें फिल करके दे देगा बीच में भर के दे बीच में कुलचा लगा सब हम आए हैं बुद्ध मंदिर देखने देखते अंदर से कैसा होगा। अच्छा हिल एरियाज पे ना ये बुद्ध टेम्पल जरूर होता है एक ना एक जरूर होता ही होता है। स्टार्ट करते हैं ना इसके लास्ट तक प्रेयर बोलनी होती है मतलब तुमने पहले की नहीं बताया आपने पढ़ा नहीं था वहाँ पे ना? ये तो होता ही जब अंदर घुमाते हैं होता है आपको नहीं पता रिमूव योर शूज एंड फुटवेयर देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा बड़ी जल्दी पढ़ लिया क्या लिखा हुआ है रिमूव योर शूज जाओ बस हाथ लगाते हो जाओ इधर देखना जाओ जाओ हाथ देखते हो जाओ गो रुको एक मिनट कुछ है तो है नहीं लेकिन आपका वहाँ से व्यू अच्छा है व्यू अच्छा है व्यू तो वहाँ को दिखता तो है नहीं चारों तरफ तो जंगली जंगल है अभी देखोगे देखो अच्छा अब हम लोग यहाँ पे आ गए थे होटल में और अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे डिनर और डिनर में जो भी था अभी तो मुझे ध्यान नहीं कि मैं वॉइस ओवर यहाँ पे बाद में दे रही हूँ तो ये शायद मिक्स वेज थी और सिंपल सा खाना था जो हमने बहुत सिंपल सा ऑर्डर करा था वेज खाना था क्योंकि हम दोनों ही जो है वेजिटेरियन हैं और उसके बाद जो डे टू का व्लॉग है वो मैं दूसरे
पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं सारे ही एक साथ कंबाइन कर दूँगी तो एक घंटे से ऊपर का व्लॉग बैठेगा, और ना आपको देखने में इंटरेस्ट आएगा ना मुझे दिखाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।